हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऐश्वरिक विश्वास। आज हम चैप्टर फोर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन वन देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि आ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर। हमें इसमें क्या दे रखा है कि एक सर्कुलर कॉइल है और जिसके टर्न्स हमें गिवन है 100 100 टर्न्स है इसके, और रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब हमें दे रखा है कि इट कैरीज अ करेंट ऑफ 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉयल। हमें करेंट भी दे रखा है, हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कॉयल के सेंटर पे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें इसका फॉर्मूला भी पता है कि जब हमें किसी सर्कुलर कॉयल के सेंटर में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 R। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हमें ये गिवन है अगर एक कॉइल का एक टर्न है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें हमें कितने दे रखे हैं, 100 टर्न्स, तो हम इसमें 100 का इंटू कर देंगे तो ये 100 टर्न्स के लिए फॉर्मूला निकल आएगा। अब तो बस इसमें वैल्यूज रखना है और सॉल्व करना है। न्यू नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है, 4 पाई इंटू 10^-7। इलेक्ट्रिक करंट हमें गिवन है 4 एम्पियर, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे रेडियस हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका ध्यान रखना है कि अगर हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें उसकी एसआई यूनिट में उसे निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 8 को अगर हम ऐसा यूनिट में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में करने के लिए, तो हमारा 0.08 आ जाएगा। तो 2 × 0.08 मीटर आ जाएगा। अब तो बस हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है अब तो सिंपल सी। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक जीरो लगा लेते हैं क्योंकि ये 0.40 गिवन है, सॉरी। तो 0.4 हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया, तो अब 2 डिजिट हो गई पॉइंट के बाद, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे हम यहाँ पे। अब हम इसको 8 5 40, 250 100, 5 4 20, 50 × 20 पाई आ गया है। बस अब कर दीजिए 15 × 20,000 इंटू 10^-7 पाई इंटू 10^-7, और बस 1000 को लिख सकते हैं 10^3 इंटू पाई इंटू 10^-7। पता ही है आपको, अब ये माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे माइनस से माइनस हो जाएगा, 7 में से आप 3 माइनस करें तो आएगा 10^-4 इंटू पाई। बस अब कुछ नहीं, पाई की वैल्यू लगा दीजिए 3.14 इंटू 10^-4, ये आंसर आ गया आपका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें दे रखा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। हमसे कहा है कि एक लॉन्ग वायर है जो कि 35 एम्पियर का करंट कैरी करता है। हमने यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना लिया, वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है। उसके बाद हमें दे रखा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। अब हमें एक पॉइंट दे रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया हमने 20 सेंटीमीटर दूर वायर से। हमें इस पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ पे। तो पहले हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आएगी यहाँ पे। तो हमें पता है कि थंब रूल से हम निकाल लेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ तो, और हमारी कर्लिंग हो रही है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कर्लिंग हो रही है हमारी, तो अंदर की तरफ यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट दे रखी है 35 एम्पियर, और हमें इसकी लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, या डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 सेंटीमीटर अपॉन 100, 0.2 मीटर। अब हमें इसमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, जब हमें
वायर से दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, तो एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आई की वैल्यू हमें दे रखी है 35 एम्पियर, और 2 पाई आर की वैल्यू, तो 2 पाई को पाई रहने तो कट ही जाएगा वैसे भी, आर हमें दे रखी है 0.2 मीटर। यहाँ पे पाई से पाई कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, और यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, तो ये 10 बार कट जाएगा, 2 टाइम्स आर 20। तो यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35 इंटू 10 टू द पावर -6। अब पॉइंट इधर ले आते हैं, एक काम करते हैं 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5। क्या ना, ऐसे लिखने से ज़्यादा साइंटिफिक लगता है। अब टेस्ला इस यूनिट, और ये आपका आंसर आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 3 करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। हमने एक वायर ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यहाँ नॉर्थ ले लिया, यहाँ साउथ ले लिया, इसमें करंट पास हो रहा है 50 एम्पियर का नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। अब यहाँ पे पूछा है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे रखा है ईस्ट डायरेक्शन में, और जो इसकी डिस्टेंस है पॉइंट की वो है 2.5 मीटर। हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की पहले हम वो निकालते हैं डायरेक्शन, तो बहुत आसान है डायरेक्शन निकालना। थंब रूल लगाएंगे तो पहले हम थंब रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, और कर्लिंग होगी हमारी बाहर की तरफ, तो हमारा बाहर की तरफ आ जाएगी डायरेक्शन। डायरेक्शन इज आउटवर्ड, ठीक है। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो फॉर्मूला वही है जो क्वेश्चन 2 में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेट वायर दे रखा है और उसे एक पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू की वैल्यू होती है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू पाई, और आई हमें दे रखा है 50। 2 पाई आर की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5। यहाँ पे सब सिर्फ कैलकुलेशन है, ये 2 बार जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 25, 2 ज़ा 50, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब 20 इंटू 2 40 इंटू 10 टू द पावर -7। भाई दोबारा मैंने कहा था साइंटिफिक ज़्यादा लगता है, तो पॉइंट इधर ले जाएंगे, तो 4.0 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 4, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है अ हॉरिजॉन्टल वायर ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हमें एक पावर लाइन गिवन है जो कि करंट कैरी कर रही है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। हमने ये ईस्ट ले ली, ये वेस्ट ले लियो, यहाँ से यहाँ करंट जा रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब हमें एक पॉइंट गिवन है 1.5 मीटर बिलो लाइन के, 1.5 मीटर। हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता ही है, हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू पाई, आई की वैल्यू हमें गिवन है 90 एम्पियर, और 2 पाई आर की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 मीटर। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4, और 1.5 का हम पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे 90 के बाद 0 आ जाएगा।
यहाँ पे हमारा बचा है 2 × 10⁻¹⁷ × 900 / 15। हमें पता है 15 6 90, तो यहाँ पे 0 का 0 आ गया। अब हमारा बचा 16 × 2, तो 120 × 10⁻¹⁷। अब हम यहाँ पॉइंट ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1.2 × 10⁻¹⁵ टेस्ला। ये तो हो गई इसकी मैग्नीट्यूड की बात। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन क्या होगी इसकी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें पता है हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल के लिए हम लोग थंब रखते हैं अपना करंट की डायरेक्शन में और कर्लिंग की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है। तो हम थंब लगाएं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट हमारा यहाँ है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हमने थंब लगाया अपना। कर्लिंग हम करें तो कर्लिंग हमारी आ रही है बाहर की तरफ, हमारी कर्लिंग बाहर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे आउटवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आउटवर्ड। ये हमारा फिनिश हो गया क्वेश्चन 4। अब हम क्वेश्चन 5th देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.15 टेस्ला। अब हमें दे रखा है कि एक हमने वायर लिया और इस मैग्नेटिक फील्ड से उसे उसमें रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, और हमने जिस एंगल पे रखा है वो एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, और उस कर वायर में करंट जो पास हो रही है वो हो रही है 8 एम्पियर की। अब हमें उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो उस वायर पे फोर्स लगेगी वो हमें निकालनी है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है हमें। तो हमें फोर्स का पता ही है, जब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगती है तो फॉर्मूला में पता ही है एफ इक्वल टू IBL sin थीटा। एल को हम इधर ले जाएंगे नीचे, फोर्स अपॉन एल IB sin थीटा, तो यही होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और आई की जगह वैल्यू रख देंगे हम लोग 8 एम्पियर, बी की वैल्यू है 0.15 टेस्ला, साइन थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो sin 30 हमें पता है 1/2 होता है, 2 4s are 8, 0.15 × 4 करेंगे ये तो आएगा 4 5s are 20, 0.60 न्यूटन पर मीटर आंसर आ जाएगा।